because I've seen the junior artists yahan pe industry ke andar, you know, her picture ke andar you working with the same people, so you can understand the voices. I said ghungat kholo, ghungat kholo, ghungat kholo. He said nahi kholenge. That was the most difficult thing, but thank God that the people got used to the visual. फिर फोन के ऊपर उन्होंने तस्वीरें खींच के अपलोड करना शुरू कर दिया कमीनों ने. हाय सलमान, सलमान ओवर हियर. सलमान, यू नो इन वन टुवर्ड्स योर राइट, इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज यू सेड द म्यूजिक ऑफ सुल्तान हैज टर्न्ड अप ग्रेट, बट इट इज अनलाइक एनी अदर योर फिल्म. कुड यू एलैबोरेट ऑन दैट? हाउ मेनी सॉन्ग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस एल्बम? शुड आई से इन एन इंटरव्यू के सुल्तान म्यूजिक इज ग्रेट एंड इज एग्जैक्टली लाइक द earlier film music, music of mine. That too I can't say, na? Every song is different. But this, because it has a folk flavor, so it is different. And, Bolu. Next question. Chalo, baad mein news to bahar nikli aayegi, baad mein. सलमान सर, अनुष्का मैम, आप दोनों को हरियाणवी सीखने में कितना टाइम लगा? मैंने हरियाणवी सीखी नहीं. द डायलॉग यूज टू कम एंड समबडी यूज टू से इट एंड आई यूज टू रिपीट इट. सो इट यूज टू टेक मी सम टाइम, बट आई यूज टू कीप ऑन. शी हैज लर्न हरियाणवी. सलमान No, and she speaks it really well. मतलब इतना अच्छा हो गया कि ऐसा कि मदर टंग हो गया हरियाणवी इनका. You heard the dialogue, like that only it is. It's like an accent. You can't literally speak in proper हरियाणवी. किसी को समझ नहीं आएगा कि बहुत ठेठ होती है. So it's just an accent. And we had a good coach who actually खुद हरियाणवी था, भी नहीं खुद पंजाबी था. तो पहले तो मैं उसी को डाउट करती रहती थी, नहीं क्या सिखाने वाला है. But eventually it's all sounding correct. But you heard it. जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी माँ मैंने क्यों कर रहा है. सलमान, देयर इज अ टैग लाइन ओवर देयर, दिस साइड. सलमान हियर, देयर इज लिपिका, देयर इज अ टैग लाइन ओवर देयर सेइंग फाइट फॉर लव एंड फाइट फॉर ग्लोरी. और जहां तक मारा दिमाग जाए छे, आप तारी तारे लाइफ में तो बहुत लोड्स ऑफ लव मिला एंड लोड्स ऑफ ग्लोरी. इलैबोरेट. इतना इलेबोरेट आपने कर दिया, मैं क्या करूं. लकी अनलकी वाले बहुत लकी होते हैं. सलमान, आपके इस तरफ बहुत सारा हिस्सा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में शूट हुआ है और तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी. वहां पर एक सबसे खास बात ये हुई कि आपने सबसे पुराने स्टीम इंजन के साथ शूट किया, और वो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो यूपी में नहीं था, वो हरियाणा में था. उत्तर प्रदेश और ये सब शूटिंग जैसे रियल लोकेशन पे शूट करना, आपके लिए कैसा रहा अनुभव? देयर इज नथिंग बेटर देन शूटिंग ऑन रियल लोकेशन. जब तक एवरीथिंग इज कंट्रोल, रियल लोकेशन लगता है. जितने भी आप सेट वेट बना लो उसका कोई मायने नहीं है. बट इट इज डिफिकल्ट नाउ डेज टू शूट ऑन रियल लोकेशन बिकॉज द अमाउंट ऑफ पुलिस सिक्योरिटी, यू नो, क्राउड कंट्रोल, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. फिर कि लॉन्ग शॉट्स के अंदर वहाँ तक के फिर वो लोग दिखाई देते हैं, फिर उनको जाके निकालो, फिर टाइम नहीं होता है. एक्टर वैसे ही लेट आते हैं, उसके बाद सीजी के अंदर सबको निकालना पड़ता है, फिर फिल्म डिले हो जाती है. तो वी ट्राई एंड शूट ऑन सेट्स एंड देन ऑल्सो लिटिल बिट ऑन रियल लोकेशन. हाँ, एक और सवाल ये कि क्या इससे पहले अखाड़े में उतरे आप, मतलब सेहत को लेकर? बचपन में बिकॉज माई फैमिली, माई चाचाज एंड दे, घर के सामने एक अखाड़ा हुआ करता था वेयर एज किड्स इन इंदौर हमको लेके जाते थे. अनुष्का, आपका रेसलिंग को लेके कैसा अनुभव रहा है? आपने भी इसमें रेसलिंग की है, तो कहीं से आपने देखा, कुछ सीखा इसमें? मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने पहलवान को पटका था? देखिए, शुरुआत में मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी, बिकॉज पहली बात मैं रेसलर की तरह लगती नहीं हूँ. तो और हमारा एक परसेप्शन होता है रेसलर्स को लेके कि रेसलर्स एक पर्टिकुलर साइज के होते हैं. तो बिगिनिंग में तो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एट आदित्य चोपड़ा एंड सेइंग आर यू श्योर, ये कैसे होगा.
बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ लोग लंबे मेरी तरह भी थे लाइक सम इंटरनेशनल रेसलर्स सो आई थॉट कि बस यही मुझे करना है आई जस्ट हैव टू लुक टोन्ड सो दैट आई कैन लुक द पार्ट एंड एनीवेज कैमरे पे तो आप थोड़े मोटे लगते हैं और वैसे ही वेट कैटेगरीज होती हैं वेट कैटेगरीज होती हैं करेक्ट वेट कैटेगरीज होती है तो मेरी वेट कैटेगरी भी थोड़ी कम वाली थी 15 किलो की नहीं 58 की थी बट जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा था इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट तो आप किसी के बहुत ज्यादा करीब होके मतलब ऐसे करते हैं तो आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल यू नॉट सो यूज टू कि कोई आपके मतलब इतना पास लाइक इन रहता है सो इन द बिगिनिंग आई टू फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट दैट बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोज देखे खूब सारे मैचेस के एंड आई रियलाइज कि अगर करना है तो यू हैव टू गो ऑल इन सो देन आई वेंट फॉर इट आई डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग आई रियली रियली लर्न द मूव्स प्रॉपरली द टेक्निकल वे ऑफ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अब मुझे पता है तो अभी कभी मैं रेसलिंग देखूंगी तो मुझे पता होगा अच्छा ठीक है अच्छा ये हुआ है सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई रिमेंबर टेलिंग अली ऑल द टाइम कि मतलब एक कि मैं आई गॉट वेरी कि नहीं बॉडी डबल नहीं यूज करेगा नहीं तू बॉडी डबल नहीं यूज करेगा सो आई हैव टू कीप इंसिस्टिंग टू हिम बिकॉज यू नो आई फेल्ट लाइक I've learned something, so I want to show it properly. So, मुझे genuinely बहुत मजा आया. I worked hard, but I feel like I feel happy that I got to do it. So now she's actually a trained wrestler's member of the press. All members of the press, she is a trained wrestler now. Bhaijan on your center. Yeah, on your center. If this film as a quote, wrestling is not a sport. It's about fighting what lies within. So what's that one thing within you that you're still fighting with it? कहाँ कहाँ से लाते हो यार पाजी? अगर मैं आपको ये सवाल पूछता माइक लेके जाओ आपका जवाब इस बारे में क्या होता नहीं नहीं क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा आपने मुझसे कि आपको ये सवाल एक बार फिर से पूछना पड़ेगा माइक दे दो उन्हें माइक प्लीज दो यार What is the thing that I'm fighting within? Yeah.